हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितनी ज़रूरी हो चुकी है आज के दिन में। इसके सीट्स भले ही इस समय लिमिटेड हों, फिलहाल 6 हैं, 10 के लिए ऑलरेडी हम लोगों का अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन ज़रूरतें इसे कहीं ज़्यादा है। सर, अभी फ़िलहाल SGPGI में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कितने सीट्स हैं? 2021 तक तो 6 सीट है। किसी भी गवर्नमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में सीट बहुत कम होता है, एक दो तीन ज़्यादा होता ही नहीं है। इवन जो मैंने जहाँ क्वालिफाई किया उसमें एक सीट होता है जनरल कैटेगरी के लिए, सीट तो काफ़ी कम होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 6 सीट है अभी, और हमारा जो कि डिमांड काफ़ी बढ़ गया है तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है नेक्स्ट ईयर 2022 से हमारे 10 सीट हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट PGI, फुल टाइम रेजिडेंशियल डिग्री प्रोग्राम के लिए। डिप्लोमा प्रोग्राम में हमारे 25 सीट है, एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम से कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, कीप्स ऑन गोइंग, इट्स ऑन गोइंग प्रोग्राम। बिकॉज ऑफ कोविड हमने थोड़ा सा उसको हमें एक उसमें पॉज करना पड़ा, बट नाउ वी हैव रिज्यूम दैट टू इज वेल थ्रू ऑनलाइन मोड। सो वी ऑफर मेनी प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम्स एट सर्टिफिकेट लेवल ऑफ ए स्मॉलर, यू नो, स्मॉलर ड्यूरेशन, शॉर्ट स्पैन प्रोग्राम, फ्यू प्रोग्राम आर डिप्लोमा, देयर इज 1 ईयर प्रोग्राम वेर इन इट इज हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, एंड दिस प्रोग्राम दैट इज अ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम वेर स्टूडेंट हैज टू write an entrance examination, they have to qualify and they have to take admission, they have to stay in the campus for 2 long years, and then they will earn their degree in the hospital from PGI before they can join in anywhere as, you know, a qualified administrator. Recently my student pass outs, they have joined at Tata Memorial as assistant medical superintendent, or Government Institute of Medical Sciences Noida, or RML as a hospital administrator. They are doing wonderfully well, and they, so since they're performing well, so they are asking for more such. Right sir. So sir, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 6 सीट्स हैं अभी SGPGI लखनऊ में, और आगे ये 10 तक बढ़ने की उम्मीद है। नहीं, 10 के अप्रूवल मिल चुका है। 10 के अप्रूवल मिल चुका है, अच्छा ठीक। सर, इस हिसाब से अगर देखा जाए, पूरे भारत में अगर कुल मिला के देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि टोटल 100 सीट हम लोग कहीं पार कर रहे होंगे अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं इसमें। तो सर, सवाल फिर वहीं पर आता है, जैसे कि किसी भी MD करते हैं, कहीं पर करते हैं, आप बिल्कुल सही बात है कि हर एक जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की उन मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, वहाँ एक आध सीट हर एक डिपार्टमेंट में, कहीं में 2 सीट, किसी में 1 सीट, किसी में ये चीज़ MS के साथ है, ये चीज़ MD के साथ है। सर, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि ये चैलेंज अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो पैंडेमिक का चाहे मार कह लीजिए, चाहे जिस प्रकार से जो नई बीमारियाँ आ रही हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब वो समय आ चुका है जब हमें ये स्पेशलाइजेशंस के लिए हमें सीट्स बढ़ाने की आवश्यकता है पूरे देश भर में? भारत राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इस विभाग को स्थापित करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो उसमें मैं उसका टेक्निकल ये हूँ, मैं उसमें शिरकत कर रहा हूँ एज ए टेक्निकल, एज हेड ऑफ द हॉस्पिटल एट PGI। सो उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि ये अस्पताल प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश के एटलीस्ट जो मेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हो जाए। आज के दिन में अभी SGPGI में विभाग है, किंग जॉर्ज में ये विभाग है, सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में अस्पताल प्रशासन विभाग है, और रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने RML इंस्टीट्यूट में इस विभाग की सृजन की अनुमति दे दी है। इस विभाग के सृजन की प्रक्रिया RML इंस्टीट्यूट में जारी है, वहाँ भी इस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, और जल्दी ये विभाग का वहाँ पे गठन हो जाएगा और विभागीय क्रियाशील हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नोएडा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विभाग के सृजन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ प्रदेश के 6 जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, इन सबों में इस विभाग के स्थापना की कार्यवाही करने के लिए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इस पर कार्यवाही चल रही है। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के सारे मेजर जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर ये विभाग स्थापित हो रहा है, हो चुका है या हो जाएगा। इसके साथ अगर स्वास्थ्य विभाग की ओर देखें तो स्वास्थ्य विभाग के जो 75 जनपद में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं मेल और फीमेल, उन सभी में हॉस्टल मैनेजर्स के पोस्ट का सृजन कर दिया गया है और सब जगह हॉस्टल मैनेजर्स तैनात हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ UP इस मामले में प्रगतिशील है, और हर अस्पताल, या तो स्वास्थ्य विभाग का हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है और इस विभाग को स्थापित करने के लिए सम्यक प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि जो हमारे अंडर ग्रेड्स हैं उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं, PGI उनको कैसे ऑप्शंस देती है, हम वाकई किस प्रकार से तैयारी करें कि हम PGI में एक तो हम एडमिशन पा सकें,
अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अगर एक इलाका है जहां पे हमें घुसना है तो तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी से। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्पताल प्रशासन विभाग में ट्रेनिंग एंड टीचिंग दोनों दो चीज़ें हैं, ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों की व्यवस्था है। मैं पहले टीचिंग पे आता हूँ फिर मैं ट्रेनिंग की बात करूँगा। जहाँ तक टीचिंग प्रोग्राम्स की बात है तो टीचिंग प्रोग्राम्स हमारे पास दो तरह के हैं, फुल टाइम प्रोग्राम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। फुल टाइम प्रोग्राम हमारे पास दो है, एक वो लोग जो मेडिकल ग्रेजुएट ऑलरेडी है, मेडिकल मीन्स मेडिकल डेंटल, आई मीन्स MBBS या BDS, जो या तो MBBS कर चुके हैं या BDS कर चुके हैं, ये उनको होना चाहिए। तब वो SJPGIMS में कि जो वेबसाइट हमारा है, हमारे वेबसाइट पे मार्च अप्रैल के माह में विज्ञापन आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है और रिटन एग्जामिनेशन होता है फॉर अ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसके लिए आपको या तो MBBS या BDS होना आवश्यक है। MBBS BDS प्लस इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई टू अपीयर इन दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारे SJPGI के एग्जाम सेल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसका सारा डिटेल SJPGI के वेबसाइट पे जो कि www.sjpgi.edu या .ac.in या .org तीनों हमारे पास अवेलेबल है, आप किसी भी जाकर देख सकते हैं, या यू कैन सिंपल गूगल स्ट्रिंग आप डाल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SJPGIMS, आपको पूरा प्रोग्राम डिटेल मिल जाएगा कि जो लोग मेडिकल ग्रेजुएट एलोपैथिक मेडिकल ग्रेजुएट हैं यानी MBBS या BDS हैं वो किस तरीके से किस महीने में कैसे अप्लाई करेंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो 1 जुलाई से ये सेशन शुरू हो जाता है एवरी ईयर, यानी एनुअल अफेयर है, हर साल एक बैच आता है और जुलाई 1 जुलाई से बैच शुरू हो जाता है। कोविड में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, थोड़ा बैच डिले हुआ, अदरवाइज 1 जुलाई इज द सेशन कमेंसमेंट डेट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट PGI, विच इज अ फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर एलोपैथिक मेडिकल ग्रेजुएट्स आइदर MBBS और BDS। नाउ कम टू सेकंड प्रोग्राम, इज अ डिप्लोमा प्रोग्राम, इट्स अगेन ओपन टू दोज हु आर इन मेडिकल और एलाइड फील्ड। यहाँ पहला वाला प्रोग्राम 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम था और वो डिग्री प्रोग्राम है जहाँ PGI कॉन्वोकेशन में आपको डिग्री दी जाएगी। दूसरा प्रोग्राम है जो हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ इसमें मोड है, इन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों मोड का हाइब्रिड मोडालिटी है। इट्स नोन एज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन PGDHHM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल का प्रोग्राम है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल डिसिप्लिन में, MBBS, BDS, BAMS एंड BHMS, इवन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, जितने भी मेडिकल या पैरामेडिकल ब्रांचेज हैं अगर आप उसमें ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इसका विज्ञापन हमारे इग्नू के वेबसाइट पर आता है, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज बींग ऑर्गेनाइज इन कोलेबोरेशन विद दी IGNOU, इग्नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उससे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन है, और ये प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर, करिकुलम और डिग्री भी आपको इग्नू कॉन्वोकेशन में मिलेगा, ये इग्नू देती है। वी डिलीवर द प्रोग्राम एट आवर इंस्टीट्यूट एट SJPGIMS, जिसमें 2 पार्ट में होता है, ऑन कैंपस मोड एंड ऑफ कैंपस मोड। लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन इस प्रोग्राम के लिए है वो ये है कि आपको मेडिकल या पैरामेडिकल डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना है। इफ यू आर अ ग्रेजुएट इन मेडिकल और पैरामेडिकल डिसिप्लिन देन यू कैन अप्लाई थ्रू इग्नू एडमिशन पोर्टल इन द मंथ ऑफ डिसंबर, एंड इफ फाउंड सुटेबल यू विल गेट अ कॉल लेटर एंड दे विल एलोकेट यू डिपेंडिंग अपन वेयर आर यू फ्रॉम और वट यू हैव ऑप्टेड, आपने क्या चूज किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो सारे लोग होते हैं उनका प्रोग्राम स्टडी सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SJPGIMS है, विच आई टेक केयर ऑफ। तो ये दूसरा प्रोग्राम है PGDHHM, पहला प्रोग्राम था MHA मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है PGDHHM जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मोड हाइब्रिड मोड पे चलता है। प्रोग्राम डिलीवर हम करते हैं, प्रोग्राम डिजाइन और कोर्स करिकुलम और डिग्री इग्नू देती है। थर्ड प्रोग्राम इज आर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, हमारे डिपार्टमेंट में 5-6 सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहे हैं, लाइक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फर्स्ट एड, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइक वाइज 5-6 सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट आप हैं तो यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम एंड यू कैन बिकम
प्रोफेशनल और यू कैन हैव एन वोकेशनल सर्टिफिकेशन सो दैट यू कैन मूव अहेड इन योर करियर। इसकी डिटेल भी आपको इग्नू के वेबसाइट से मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट से मिल जाएगी, SGPGI की वेबसाइट से या हमारे SGPGI में डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। और इन सारे प्रोग्राम का के एडमिशन की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होती है, और जो हमारा फुल टाइम प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो मेरा कोर प्रोग्राम है, वो मार्च अप्रैल में शुरू होती है। और एक तीसरा प्रोग्राम है जो ऑलरेडी MD कर चुके हैं, MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या MD माइक्रोबायोलॉजी, दो ब्रांच, और वो दे कैन अगेन थ्रू नेशनल कॉम्पिटिशन, वो हमारा है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन पेशेंट सेफ्टी एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, PDCC प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ ए पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सो अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रोग्राम की एक रेंज हमारे पास है। जिन्होंने MD कर रखा है उनके लिए प्रोग्राम है PDCC, जिसने MBBS से BDS किया है उसके लिए हमारे प्रोग्राम MHA है, जिसने किसी भी मेडिकल या अलायड डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BHMS, BAMS, BSc नर्सिंग या BPT पैशनल फिजियोथेरेपी ये कर चुका है, उसके लिए PGDHHM प्रोग्राम है। एंड देन वी हैव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स फॉर एनी ग्रेजुएट्स, एनी स्ट्रीम कैन वॉक इन, एंड दे आर लाइक डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फर्स्ट एड, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट। सो वी हैव प्रोग्राम्स फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ जनरल स्ट्रीम, दे आर ओनली सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। देन वी हैव प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल एंड लार्ज ग्रेजुएट्स, इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम विद इन ऑन विद इन कैंपस ऑफ कैंपस मोड। नाउ वी हैव टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, दैट इज MHA ओनली फॉर BDS MBBS फुल टाइम प्रोग्राम, एंड देन दोज वी हैव डन MD MBBS एंड MD बोथ दोज वी हैव डन, दे कैन जॉइन PDCC प्रोग्राम, दैट इज पोस्ट डॉक प्रोग्राम एंड इन पेशेंट सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SGPGMS। सो वी गॉट फुल रेंज as of now, and we'll further expand and we'll increase other programs as well. This is about the regular programs. These are teaching programs. Apart from that, we have got many training programs going on. Our department is a nodal department for training on many dimensions like patient safety, infection control, biomedical waste management, quality. There are many dimensions in service training programs. So we keep organizing many such training programs for like IUS department doctors, health department CMOs, all CMOs have been trained at our department. They come to a 7-day program, we call it by the name of HEXMDP, Healthcare Executive Management Development Program, jisme CMO hi aa sakte hain. Health department nominates 20 CMOs in one batch, they come to PGI, they stay at PGI for 7 days and we train them into 30 identified domains of hospital administration because they have no training and they become CMO by virtue of promotion. Likewise, we have many capacity building programs for National Institute of Health and Family Welfare doctors, central government doctors come to us. And apart from that, we have many programs for the nursing staff of the health department or medical education department. And we also train on many other dimensions of healthcare administration. They are all training programs. And there are two types, in-house, in-service training programs when we train our own staff from PGI. And there are many training programs which are open to anyone from the outside PGI, government medical colleges, private medical colleges, district hospitals or corporate hospitals. They all come, get trained and go back and they perform better. So we have got training programs and we have got teaching programs. They are structurally organized and they are periodically organized. Right, sir. Sir, with so many programs all around, aapne hospital administration ke liye charo taraf se aapne bataya ki kaun-kaun log kar sakte, kis prakar se kar sakte aur various levels par iske liye courses designed hai. Ek cheez aur janna chahunga, Dr. sir, ki jaise koi अगर स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी एक जगह MD प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आपके पास ऑफलाइन कोर्स भी है, तो इज इट पॉसिबल कि वो ऑफलाइन प्रोग्राम यहाँ से कर रहे हैं व्हाइल ही इज आल्सो डूइंग हिज MD फाइनल ईयर और मे बी फर्स्ट? वेरी मच, एक्सेप्ट फॉर टू प्रोग्राम्स व्हिच इज फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दैट इज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन SGPGMS and PDCC, Post Doctoral Certificate Course in Patient Safety and Infection Control, which will be commissioned from the next year, 2022 se shuru hoga. Ye do full-time program hai. You cannot do anything else when you are enrolled in this program. Because you are resident also. Yes, right? You're resident also. You have to be resident. And yes, and other programs you can do concurrently while, jaisa aapne kaha, Subhankar ji ne kaha bhi, chahe wo jo bhi kaam kar rahe ho, service mein ho, practice kar rahe ho, ya jis bhi jahan pe ho, wo country mein kahin bhi ho, they can join, they will have to come to us offline in our department for a specified duration at periodic interval, rest they can continue with their profession or occupation or vocation wherever they are, whatever they are doing, and they can still add value to their stream or profession that they are in. Sir,
नाउ कमिंग टू अ पोर्शन विच इज मैं सॉरी ऐसे में कहते हैं कि दो इंस्टीट्यूट्स में कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे इस प्रश्न को मुझे शायद रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने करियर की स्टार्टिंग आपने BHU से की, आपने 6 साल एम्स के साथ गुजारा और पिछले 8 साल से या 9 साल से आप SGPGI के साथ आप युक्त हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, हेड ऑफ दैट विंग। सर एक चीज जानना चाहूंगा, एम्स की टीचिंग और PGI में टीचिंग, हाउ डू यू फाइंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्टेटस, आई मीन द स्टैंडर्ड्स क्या है इसमें? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो एम्स में ऑफर किया जा रहा है और जो हमें ऑफर कर रहा हूं, तो थोड़ा फर्क यह है कि एम्स इंस्टीट्यूट में MBBS की पढ़ाई भी होती है, ब्रॉड स्पेशलिटीज भी हैं। व्हाट आई मीन टू से कि वहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, INT, ऑर्थोपीडिया, स्किन, सेक्रेटरी, सारे डिपार्टमेंट हैं, और जो नॉन क्लिनिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट हैं। हम लोग क्या है, वी आर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिर्फ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है। तो उस दृष्टिकोण से जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे रेजिडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि स्पेक्ट्रम थोड़ा सा, वह पूरा स्पेक्ट्रम ना मिल पा रहा हो। जैसे एक 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 जैसे मैं गायनी डिपार्टमेंट है या एक ऑर्थो डिपार्टमेंट है या स्किन डिपार्टमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए कोई अगर स्पेसिफिक हमें एक्सपोजर एम्स पे दिया गया, वो शायद हम यहाँ ना दे पा रहे हो डायरेक्टली, लेकिन उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रेजिडेंट्स हर साल 1 वीक के लिए एम्स जाते हैं और 1 वीक के लिए PGI चंडीगढ़ जाते हैं, ताकि जो विभाग हमारे यहाँ SGPGI में नहीं है, उस विभाग से स्पेसिफिक कोई जानकारी हो या उसके उसके उस विभाग से स्पेसिफिक जो प्रशासन के आयाम है वो वहाँ सीख सके। अदरवाइज मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे लड़के किससे कम है। इसका प्रमाण यही है कि इस बार भी रिजल्ट निकल डिक्लेयर होने के पहले ही दे वर ऑल प्लेस्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट अ वेरी वे हैंडसम सैलरी, दे वर हैंड पिक्ड ब्रदर। सो बट एक बात है, टाइम हैज इट्स ओन रोल टू प्ले। एम्स का प्रोग्राम 60 साल से चल रहा है, और ये प्रोग्राम यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तब शुरू किया, 2013 में मैंने ज्वाइन किया, फिर प्रोग्राम डिजाइन किया, अप्रूवल लिया, इट टुक सम टाइम, एंड ये प्रोग्राम जनवरी 16 में रोल किया है। मेरा बस 5वां बैच अभी बाहर आया है, तो दैट वे ये कंपैरिजन थोड़ा सा बहुत जायज नहीं होगा कि जो प्रोग्राम 50 साल से चल रहा है, मेरा प्रोग्राम 5 साल से चल रहा है। फिर भी अगर मैं देखूं तो हर साल हमारे लड़कों को उनके रिसर्च वर्क में नेशनल अवार्ड मिल रहा है, दे आर गेटिंग वेल प्लेस्ड, दे आर हैंडलिंग हॉस्पिटल्स इंडिपेंडेंटली एज असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो आई थिंक इट्स गोइंग गुड, बट देयर इज नो फुल स्टॉप ऑन रोड टू इंप्रूवमेंट, यू विल ऑलवेज इंप्रूव। सर अब हम थोड़ा सा आते हैं सॉटो के ऊपर, क्योंकि आप हेड ऑफ स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के आप यहाँ पे हेड भी हैं। सर जब हम सॉटो की बात करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आप बहुत मुखर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके, आप कई जगह जाते हैं, मैंने खुद आपके कई शोज मैंने अटेंड किया है जहाँ पे आपने बहुत मुखर तरीके से आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बोला, क्योंकि जैसे आपका मानना है वैसे मैं भी मानता हूँ कि शायद अभी भी हमारे बीच में काफ़ी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी डर है। अभी भी हम सोचते हैं कि हमारे गुजर जाने के बाद भी जो हमारा जो पार्थिव शरीर रहता है उसका अगर कोई ऑर्गन निकाला जाता है तो तब भी हम इमोशनली अटैच्ड रह जाते हैं। सर क्या लगता है आपको, ये अब एक बहुत जरूरी प्रश्न हो चुका है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अब जिस हिसाब से ज़रूरतें पड़ रही हैं ऑर्गन्स की, सर एजुकेशन इज मच रिक्वायर्ड इन दिस लाइन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरुआत करूंगा अपने इस विषय पर अपने एम्स के अनुभव से, क्योंकि मेरी प्राइमरी ट्रेनिंग वहीं पे हुई है। मैं एम्स में ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज था जब ट्रॉमा सेंटर प्रोफेसर वेणुगोपाल डायरेक्टर हुआ करते थे, और ये कमीशन किया गया April 7 में। आई वॉज देयर, मैं एम्स कैंप ट्रामा सेंटर कैंपस में रहता भी था मैं, तो मैंने देखा कि एम्स ट्रामा सेंटर में कितनी डेथ हो रही होती थी, इतने एक्सीडेंट, इतने एडमिशंस, देन कुछ डेथ, और हम उससे ऑर्गन बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे थे। फिर मेरी जब पोस्टिंग हुई एम्स के आई सेंटर में और नेशनल आई बैंक में, तो मैंने देखा कि नेशनल आई बैंक में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पेशेंट की लंबी वेट लिस्ट है, और मैं उधर देख रहा हूँ कि एम्स में ही हमारे जो पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आ रहे हैं, जिनको हम साल्वेज कर लिया, बचा लिया, वो बच गए, लेकिन जो साल्वेज नहीं हो पाए या ब्रॉड डेड थे, हम वो कॉर्निया लूज कर रहे थे,
और एक तरफ हमारे कॉर्निया में ट्रिमेंडस बहुत बड़ी वेट लिस्ट थी एम्स में, बाकी जगहों की तो बात आप छोड़ दीजिए, इतना लोग लिस्ट मेंटेन नहीं करते। देन प्रोफेसर राधिका टंडन आई सर्जन एम्स में हैं, उनसे हमारी बात हुई और एक हम लोगों ने एक WHO को एक प्रोजेक्ट लिखा जहाँ पे हम लोगों ने ये बताया कि अगर हम स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंटमेंट करें, उनको ट्रेन करें, जो पेशेंट्स की डेथ होने वाली है अप्रोप्रिएट समय पर, अप्रोप्रिएट पेशेंट को हम काउंसिल करें, उसकी इमोशनल सेंस नीड को समझें, उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए उसको इमोशनली मेंटली तैयार करें उसके फ्री विल पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, उसके लिए अगर स्पेशलाइज मैन पावर हो तो शायद हम ज़्यादा ऑर्गन हार्वेस्ट कर पाएंगे। WHO ने इस प्रोजेक्ट को एक बार में अप्रूव कर दिया एंड दे फंडेड इट एंड वी डेन वी कमेंस दिस प्रोजेक्ट और इट वॉज अ मल्टी सेंट्रिक स्टडी जो हमने एम्स में सफदरजंग RML और स्ट्रॉफ ये चार जगहों पर एक साथ किया। हमने ग्रीफ काउंसलर्स के नाम से लोगों को अपॉइंट किया, उनको ट्रेन किया और हर उस ICU में जहाँ पे हाईएस्ट डेथ रेट थी वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया और उनको ट्रेन करने के बाद उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में हमने काउंसलिंग रूम बनाया और वहाँ पे वो लोग पेशेंट्स के अटेंडेंट को काउंसल करते थे, बताते थे कि क्यों ज़रूरत है, कितनी डिमांड है, इससे पेशेंट का कोई नुकसान, जितने भी इससे जुड़े हुए मिथ हैं उस मिथ को हम बस्ट करते थे। देयर वॉज अ वेरी गुड सिस्टम दैट वी पुट इन प्लेस बाई हैविंग अ काउंसलिंग रूम, ट्रेन्ड ग्रीफ काउंसलर, रिफ्रेशमेंट टू द अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट्स। हमने 3 महीने में मेरा कॉर्नियल हार्वेस्ट रेट 29% बढ़ गया। कैन यू बिलीव कितनी बड़ी बात थी ये? यानी कि अगर 3 महीने पहले 100 लोगों को कॉर्निया मिल रहा था तो 3 महीने के बाद 129 लोग को राष्ट्रीय फिर से मिले, जो दोज हु वर नेवर एबल टू सी दिस वर्ल्ड, सो 29 मोर पर्सन्स वर एबल टू सी द वर्ल्ड। So that was my first brush and my interest into organ transplantation. So when I joined PGI because of personal reason, because of my personal reason, I moved out of Delhi and came to SGPGIMS. So I asked first, is there a department of eye or not? Ophthalmology department is or not? It was not there because it's a super specialty institute. Here, there is neurosurgery, gastrosurgery, liver transplant, all super specialized departments. There are broad departments. So then we had to wait for something. Then again, I went for a training on all the dimensions of organ transplant at PGI Chandigarh. And when I came back, then I wrote a proposal to our institute director, who was forthright, who supported me. Then that proposal was sent to state government. The state government also was very keen on this idea, and it was sent to government of India. So, lagbhag 2.5 saal ka waqt laga, jab humne isko pursue kiya, apne is idea ko maine pursue kiya, chase kiya apne is dream ko, aur गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली SGPGIMS में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दिया, जिसका नोडल ऑफिसर मैं हूं फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एट SGPGIMS। इन शॉर्ट वी कॉल इट SOTO, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ी सी आपको और बताना जानकारी देना चाहूँगा, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है बाय द नेम ऑफ NOTP, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इट्स अ थ्री टियर स्ट्रक्चर। भारत देश के लेवल पे एक बॉडी है दिल्ली में, उसका नाम है NOTO, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 या 6 राज्य पे RoTO है, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और हर राज्य के लिए एक SOTO की व्यवस्था की गई है। और हम लोग ने PGI के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन, उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव रजनीश दुबे उस वक्त थे, अभी आलोक सर हैं इनके, और DGME के गुप्ता थे उस वक्त में, इन सब के एक्टिव एफर्ट से मैं लगातार इसमें लगा रहा। उत्तर प्रदेश देश का 5वां राज्य है जहां SOTO एस्टेब्लिश हुआ। सो इट वाज इट उत्तर प्रदेश टुक अ लीड एंड उत्तर प्रदेश राज्य में SOTO जो है SGPGIMS में एस्टेब्लिश किया गया, जो अस्पताल प्रशासन विभाग की तरफ से मैं इसको देख रहा हूँ। SOTO इसलिए स्थापित किया गया कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया क्या है, देयर इज अ डोनर, देन ऑर्गन इज हार्वेस्टेड, ऑर्गन इज प्रिजर्व्ड, एंड देयर इज अ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट इज वर्कड अप, एंड ऑर्गन इज ट्रांसप्लांटेड। तो इज अ कंप्लीट प्रोसेस पाथवे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है बिखरी हुई सी है। तो भारत सरकार ने अपने इस नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे मैंडेट पास किए हैं, मैंडेट दिए हैं NOTO को या RoTO को या SOTO को कि इसको स्ट्रीमलाइन करें, और SOTO को एक राज्य के लिए क्या क्या करना है एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है और प्रिसाइज टारगेट्स दिए गए, ये काम करने हैं। SOTO को दिए गए मैंडेट के तहत आठवां मैंडेट है
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अवेयरनेस स्प्रेड करने का, अवेयरनेस फैलाने का और प्लेजिंग कराने का, कितने लोग प्लेज कर देते हैं अपने ऑर्गन के लिए, सो दैट हम ज्यादा ऑर्गन हार्वेस्ट कर सकें फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन टू सेव देयर लाइफ रदर देन लूज देयर लाइफ। सो इस कॉन्टेक्स्ट में सॉटो की स्थापना और इसका क्रियान्वयन और इसकी एक्टिविटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में हर उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए या जिंदगी को प्रोलॉन्ग करने के लिए जिनको हम वैसे लोगों से ऑर्गन दे सकते हैं जो शरीर वैसे भी अब इट इज गोइंग टू बी इन डस्ट, गोइंग टू बी बर्न, गोइंग टू बी बरीड, वैसे बॉडी से अगर हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्गन जो प्रॉपर शेप में प्रॉपर स्टेट में है हार्वेस्ट करके हम वैसे लोगों को दें, दोज़ हु विल अदरवाइज डाई इफ दे डोंट गेट द ऑर्गन, इस कॉन्टेक्स्ट में सॉटो की बहुत अहमियत है। एंड इट हैज बीन ग्रेट दैट प्रोफेसर आर के धीमन डायरेक्टर एस डी पी जी एम एस हु इज एक्चुअली हिपेटोलॉजिस्ट फॉर एक्सलेंस एंड ऑफ वर्ल्ड फेम हु वॉज एट पी जी आई चंडीगढ़ वेन ही केम बैक टू पी जी आई एस डी पी जी एम एस लखनऊ एज डायरेक्टर ही टुक प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड गिविंग ए बूस्ट टू द वर्क ऑफ सॉटो सो दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ सॉटो फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी टू lead to increased number of donations, increased number of transplantation of all the organs, be it kidney, be it liver, be it heart, whatever. This is what we are working towards and working for. इस संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, अगर आप शुभंकर जी कहें तो मैं उसको बताना चाहूँगा, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं जो कि सॉटो ने किया है जी। अगर आपका वक्त ज़्यादा दे तो बताना सॉटो के मेरा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रोफेसर आर के धीमन डायरेक्टर एस जी पी जी एम एस ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और ऑर्गन लिविंग ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेशन एंड डिसीज्ड ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी जो जिंदा व्यक्ति ऑर्गन देगा और जो मृत व्यक्ति से ऑर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई गई है जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी को एस जी पी जी एम एस सॉटो एस जी पी जी एम एस को उसकी भेजा गया है और अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंदर विचाराधीन है। गवर्नमेंट यूपी इस पे कंसिडर करके जब नोटिफाई कर देगी तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सॉटो का होगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इस तरह के पॉलिसी के प्रमल्गेशन का पॉलिसी को प्रख्यापित करने की बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी पहल जो सॉटो ने करी है वो प्रोफेसर धीमन के ही इनिशिएटिव में जहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से गया उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ी सुधार की व्यवस्था है सो दैट कि जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं ये फील्ड मैंडेटरी कर दिया जाए कि क्या वो ऑर्गन डोनर होना चाहते हैं यस और नो और ये वो बात बिल्कुल वो समझ कर सरकार ने बहुत सकारात्मक रवैया था और सहयोग किया और सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। ये सॉटो की पहल है यूपी के लिए पूरे यूपी के लिए जहाँ पे अब अगर कोई ऑर्गन अगर कोई इंडिविजुअल ड्राइविंग लाइसेंस जा रहा है बनवाने के लिए या रिन्यूअल के लिए लर्निंग है परमानेंट उसको मैंडेटरी फील्ड अगर वो नहीं फिलअप करेगा तो उसकी फॉर्म सबमिट ही नहीं होगी, ये उसकी चॉइस है यस और नो अपॉन हिज और हर फ्री विल, लेकिन वो उस कॉलम को उस स्टेप को वो छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है, नो करें नो कर दें, जिस पे जो यस कर देंगे तो उनकी स्मार्ट कार्ड लाइसेंस पे यस आ जाएगा यस आई एम ऑर्गन डोनर। अब लगभग 4.5 लाख रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 1.5 लाख डेथ हो जाती है, अब अगर हमें वैसे 1.5 लाख डेथ में से जिनके पास यस आई एम ऑर्गन डोनर का ड्राइविंग लाइसेंस वाला कार्ड मिलता है मेरे पास तो मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी उनके परिवार को उनके संबंधियों को उनके लोगों को मोटिवेट करने में, उनका सहयोग बेहतर मिल पाएगा और हम शायद कुछ ज़्यादा ऑर्गन हार्वेस्ट कर पाएं उनको दे पाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तीसरी पहल जो अभी हमने करी है हम अभी हमारी मुलाकात प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी होम जो हैं और सेक्रेटरी होम तरुण गाबा जी हैं वहाँ मैंने प्रस्ताव रखा प्रोफेसर धीमन के हमारे डायरेक्टर पीजीआई के नेतृत्व में हमने एक प्रस्ताव राइटिंग में भेजा लिखित भेजा मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और बात हुई है जहाँ पे हमने प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर्स से ऊपर के सारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि अगर सड़क पर एक्सीडेंट होता है और वो अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या हार्वेस्ट करने की बात आती है जो उसका लीगल प्रक्रिया जो मेडिकल लीगल डायमेंशन है वो थोड़ी तेजी से हो और तत्परता से हो ताकि हम समय रहते ही ऑर्गन निकाल पाए और सरकार बहुत सहयोगात्मक थी और हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवस्थी जी ने और सेक्रेटरी होम तरुण जी ने आश्वस्त किया है कि वो जल्द ही इस पर सम्यक विचार करके निर्णय लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है सॉटो यूएसजीपीजीएमएस हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे विभाग के सॉटो की ओर से जिससे कि हम
प्रदेश में ज्यादा जो लोग जिन लोगों की डेथ हो जा रही है उससे हम ज्यादा ऑर्गन ले पाएंगे और उनको जिंदगी दे पाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अब बिल्कुल हम अपने सेशन के अंत में हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म हुआ और इसकी क्या उपलब्धियां रही, आपने पूरी बातें बताई, लेकिन उसके बावजूद होता यह है कि जब कोई ऐसा हादसा किसी घर में हो जाता है तो उनके जो परिवारजन होते हैं वो शायद इसको इंटीमेट करना या इन्फॉर्म करना ज़रूरत नहीं समझते, या अपने आप से वो डिसीजन ले चुके होते हैं। अब वो इमोशनल कारण होते हैं, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि जब सॉटो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिविलेंट है और आप खुद देख रहे हैं कि उसकी इतने जो आपने खुद आपने बताया कि जो आप लोगों ने अचीवमेंट्स किए उसके माध्यम से बहुत हाई रहे, क्या सॉटो अपने आप में एक एक कोर्स स्पेसिफिक नहीं हो सकता जहाँ पे कि हमारे प्रॉपर ट्रेंड बंदे, सॉटो के ट्रेंड बंदे मार्केट में रहें, फील्ड में रहें, और वो खुद ब खुद वो एजुकेट करें लोगों को, वो सेग्रीगेट करें। सिविल डिफेंस के अगर लेवल पर देखा जाए तो बहुत एक बड़ा तबका जो कि प्रॉपरली कमीशनड नहीं होते ऑफिशियल्स पुलिस के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये समाज का एक बड़ा तबका हो जाता है, क्या इन लोगों को ट्रेन नहीं किया जा सकता? ये भी एक सॉटो का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। आप क्या कहना है सुभाकर जी? आई अप्रिशिएट आपका ये जो आइडिया है, बहुत बढ़िया है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके इस आइडिया पे वर्क करते हुए हम लोग दो चरण में कार्यवाही कर रहे हैं। पहला, हमने लखनऊ में मास कैंपेन शुरू कर दिया हमने है, जो अभी हमें लखनऊ के सारे महत्वपूर्ण स्कूल में दो चरण में हमने अवेयरनेस कैंपेन बाय द नेम ऑफ बी अ मिरेकल मेकर, बी अ ऑर्गन डोनर की चलाया है, जिसमें लखनऊ के सारे महत्वपूर्ण स्कूल शामिल थे और उसमें काफ़ी हमने काफ़ी काम किया और ये लगभग 35 डेज तक चलता रहा। और दूसरी बात जो आपने बताई कि क्यों नहीं सॉटो के तहत ट्रेंड लोग फील्ड में जाएं, मोटिवेट करें ताकि हार्वेस्ट या ज़्यादा ऑर्गन हमें मिल सके, बहुत बड़ी बात आपने कही। तो मैंने शहर की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, व्यापार मंडल है, IMA है, रिलीजियस बॉडीज़ हैं, व्यास आश्रम है, आरकेएस मिश्रा आश्रम है, इन सबसे मैं संपर्क कर रहा हूँ, जो वरिष्ठ नागरिक महासमिति है, और भी बड़े बड़े पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन से मैंने संपर्क किया है, शिक्षा विभाग से मैंने संपर्क किया, सबसे मैं संपर्क कर रहा हूँ ताकि हम उनके उनके विभाग या उनके संस्थाओं में जो की लोग हैं, दो ओपिनियन मेकर्स और दो डिसीजन मेकर्स और दो वर्क इन फील्ड, उनको हम ट्रेन कर दें TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, एंड फिर वो सब्सिक्वेंटली इसको दे विल टेक इट फॉरवर्ड। हम इसको स्कूल के लेवल पे टारगेट कर रहे हैं फॉर एंटायर एंड ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ UP। सो ये चीज सारी चीज़ें एक, एक, एक प्रक्रिया के तहत आगे चल रही हैं और समय लगेगा, हमें हम उम्मीद करते हैं कि हम इस लोगों को और ज़्यादा जागरूक बनाने में सफल होंगे और जो इनफैक्ट उससे हमें ज़्यादा हार्वेस्ट हम कर पाएंगे और ज़्यादा हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। दैट इज़ वॉट एक्चुअली वी आर एमिंग एट। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वे देकर भी मरते हैं। दिनकर की पंक्तियां हैं, मुझे लगा कि शायद इट वुड बी अ गुड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, जब दान की बात आती है तो शायद अपने ऑर्गन्स का दान करने से बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता, आप किसी एक की जीवन बचाते हैं। दोस्तों, इसी बात के साथ ये शो करियर काउच विश्व भांकर आज यहाँ पे अल्प विराम लेता है। हम विराम कभी नहीं लेते, हम वापस एक बार और आएंगे आपके पास अगले सप्ताह। देखते रहिएगा करियर काउच विश्व भांकर।